विस्कॉन्सन के गांव कई सालों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। विस्कॉन्सन को डेयरी लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर दूध का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए ये कई सारे पालतू मवेशियों का घर है। सन 1800 के दौरान इस एरिया में बहुत सारे जंगली भेड़िए भी थे जो अक्सर इन पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाया करते थे, इसलिए गाँव के लोगों ने इन भेड़ियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जिनमें कई सारे भेड़ियों को मार दिया गया और 1960 तक इस एरिया के आसपास मौजूद लगभग सारे भेड़िए विलुप्त हो गए थे। लेकिन कई लोगों का मानना है कि उस दौरान बहुत से भेड़िए बच निकले थे। यही नहीं, प्राकृतिक तौर पर उनकी शारीरिक संरचनाओं में भी बहुत बदलाव हुआ। ये बात पूरी तरह से सच है कि कई इंसेक्ट भी समय और जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से अपना रूप बदल लेते हैं, लेकिन भेड़ियों की प्रजाति के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। क्या प्रकृति में बदलाव की वजह से कुछ भेड़िए भी अपनी सुविधा के हिसाब से प्राकृतिक तौर पर ही हाइब्रिड वुल्फ में बदल सकते हैं जो चार नहीं बल्कि अपने पिछले दो पैरों पर चलने में सक्षम हो? हालांकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भेड़ियों के इस परिवर्तित रूप के बारे में आम लोगों की धारणाएं अलग हैं, क्योंकि ऐसे कई चश्मदीद गवाह रहे हैं जिन्होंने भेड़ियों के ऐसे ही एक अलग स्वरूप को देखने का दावा किया है। उनमें से एक है विस्कॉन्सन गांव के लोग, जहां पर कई सालों पहले एक भेड़िया मानव की दहशत चारों ओर फैली हुई थी। विस्कॉन्सन के लोग बीस्ट ऑफ ब्रे रोड का नाम आज से नहीं बल्कि कई सालों से सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले इसे सन 1936 में विस्कॉन्सन के एल्कॉन गांव में देखा गया था। उस समय जिसने भी जीव को देखा उनके मुताबिक वो एक भेड़िया मानव की तरह दिखता है। कई लोग इसे भालू और भेड़िए का हाइब्रिड भी मानते हैं। कुछ लोगों ने उसे डॉगमैन का नाम भी दिया। उसका पूरा शरीर भूरे रंग के फर से ढका हुआ है और उसकी हाइट लगभग 6 फीट है। उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमकदार पीली और कान नुकीले हैं। उसका शरीर बहुत ही मस्कुलर है और वह या तो अपने चारों पैरों पर या फिर अपने पिछले दो पैरों पर दौड़ता है। वहाँ के कई स्थानीय लोग इसे वेयरवुल्फ मानते हैं, तो कई अन्य लोगों का मानना है कि यह एक बिगफुट है। हालांकि इस प्राणी ने अभी तक किसी पर भी हमला नहीं किया था, लेकिन कुछ चश्मदीदों के मुताबिक ये जीव बहुत ही आक्रामक है। ये आती हुई कारों की ओर दौड़ता है और उन पर कूद जाता है। कई शोधकर्ताओं ने भी बीस्ट ऑफ ब्रे रोड को एक बिगफुट माना है, जिसे स्थानीय लोग ब्लफ मास्टर या एडी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन कई सारे अमेरिकन इसे वेंडिगो का एक रूप मानते हैं। उनके मुताबिक इस जीव को अक्सर मिनेसोटा में भी देखा गया है। यह रहस्यमय प्राणी क्या है, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी तरफ से कई अलग अलग व्याख्याएं की है। वैसे तो बीस्ट ऑफ ब्रे रोड के बारे में आज तक कई घटनाएं सुनने को मिली है, लेकिन उनमें से 3 ऐसी मशहूर घटनाएं हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये सारे इंसिडेंट्स बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं कि कुछ लोगों का इस बीस्ट से किस तरह सामना हुआ। यह घटना 2018 में नॉट कैन डॉर्से नाम के एक रेडिट यूजर ने ह्यूमेनॉइड एनकाउंटर्स नाम के एक फोरम पर पोस्ट की थी, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी सालों पहले की आपबीती सुनाई है। मैं विस्कॉन्सन के फ्रैंकलिन टाउन में रहता था। यह बात लगभग 1998 की है। अभी कुछ समय पहले ही मेरे फादर ने एक नई जगह पर जमीन खरीदी थी और वर्तमान समय में यहाँ पर केवल एक ही घर बना था जो कि हमारा था। हमारे आसपास कई सारे प्लॉट खाली थे जहाँ पर लोग पुराने जमाने में खेती किया करते थे। हमारे घर के पीछे एक नाला था और नाले की दूसरी तरफ कुछ झाड़ियाँ और एक पुरानी लकड़ी से बनी स्ट्रीट लाइट जिसकी रोशनी लगभग 30 गज तक जाती थी। उसके बिल्कुल नज़दीक से एक सिंगल लेन रोड जा रही थी। उस वक्त गर्मी का मौसम था। एक रात मैं और मेरा दोस्त अपने रूम में गप्पे लड़ा रहे थे। हमारे घर की बत्ती गुल हो चुकी थी और हम अंधेरे में लुका छिपी खेल रहे थे। कुछ देर बाद मैं अपने सनरूम में वापस आ गया और वहां से मैंने बाहर का नजारा देखा। घर के पिछले वाले नाले की दूसरी ओर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कोई खड़ा था। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वह दिखने में कैसा था, लेकिन वह किसी हंचबैक की तरह झुका हुआ था और बहुत ही गहरी और भारी सांसें ले रहा था। उसका वजन अंदाजन 80 किलो के आसपास होगा। उसकी पिछली टांगें
बहुत ही मस्कुलर थी, लेकिन उसका सिर किसी कुत्ते या भेड़िए की तरह दिख रहा था और वो अपने दो पैरों पर खड़ा था। लेकिन आम कुत्तों के मुकाबले उसकी हाइट बहुत ही लंबी थी, वो लगभग 6 फीट लंबा था। मैं ये बात आसानी से बता सकता था क्योंकि मेरे पास भी एक डॉगी था और उसकी हाइट इस प्राणी के मुकाबले बहुत ही छोटी थी। मैंने अपने दोस्त को बाहर बुलाया, उसने भी यह नज़ारा देखा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चीज़ है। हम दोनों बिना शोर किए वहाँ लगभग 30 मिनट तक बैठे रहे। बहुत समय बीत जाने की वजह से मेरे पिताजी हमें बाहर देखने के लिए आए और तभी उनका ध्यान भी उस प्राणी की ओर गया। हमने उनसे भी पूछा कि आखिर ये क्या है, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। मेरे पिताजी वियतनाम के एक मशहूर पशु चिकित्सक थे और तभी जिज्ञासावश मेरे पिताजी उस प्राणी को देखने के लिए बाहर गए। उनके पास एक पुराने ज़माने की मेगालाइट थी जो बहुत ही तेज़ रोशनी देती थी। वो उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने नाले के नज़दीक जाकर उस जीव पर लाइट की एक तेज़ रोशनी डाली और तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से जंगल की ओर भाग गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। वो जानवर मुझे किसी पौराणिक जीव की याद दिला रहा था। यह घटना मेरे लिए उन यादगार पलों में से एक है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इस तरह की घटनाओं के बारे में आप ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, वरना लोग आपको पागल समझते हैं। आज इतने सालों बाद जब मैंने उसके बारे में सुना तो मुझे ये किस्सा याद आया कि इस जीव को तो मैं बहुत पहले ही देख चुका हूँ। डोर्से ने इस घटना का उल्लेख तब किया जब स्टीव क्रूगर नाम के एक व्यक्ति ने सन 2006 में अपने साथ हुई एक रहस्यमय घटना के बारे में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। स्टीव के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जानेंगे एक दूसरी घटना के बारे में जो इसी ब्री रोड के इर्द गिर्द घूमती है। बात है 31 अक्टूबर 1999 की, जब एक यंग वुमेन जिसका नाम डोरेस्टिन गिब्सन था, जो ड्राइविंग करते हुए ब्रे रोड से होकर अपने घर की ओर जा रही थी। यह इलाका डेलवान के पास का था। अभी उसकी कार हॉस्पिटल रोड के चौराहे पर पहुंची थी और कुछ सेकंड्स के लिए वो जैसे ही रेडियो का चैनल चेंज करने के लिए नीचे झुकी, अचानक उसकी कार का दाहिना पहिया जमीन से ऊपर उछल गया, जिससे डोरेस्टिन घबरा गई क्योंकि उसकी कार किसी चीज से टकराई थी। उसने तुरंत कार रोकी और हड़बड़ाहट में कार से बाहर निकली यह देखने के लिए कि आखिर उसकी कार किस चीज़ से टकराई थी। लेकिन रोड पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। वहाँ पर ना तो कोई पत्थर था और ना ही कोई ब्रेकर। वो बहुत ही कन्फ्यूजन में थी। उसने सड़क के किनारे भी देखा जहाँ दूसरी तरफ बहुत ही घना जंगल था। अभी कुछ पल बीते ही थे कि उसने देखा सामने के जंगल से एक काले रंग का विशालकाय प्राणी उसकी तरफ दौड़ते हुए। उसका शरीर फर से ढका हुआ था। उसे अपनी ओर आते देख वो बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से कार में लौट आई। उसने कार स्टार्ट करके जैसे एक्सेलरेटर दिया, वो दौड़ता हुआ प्राणी उसकी कार के ट्रंक पर कूद गया। क्योंकि उस वक्त हल्की स्नोफॉल हो रही थी, इसलिए कार की सतह बहुत ही चिकनी थी। वो प्राणी बहुत ही भारी भरकम था, इसी वजह से वो ज़्यादा देर तक कार को पकड़ नहीं सका और ट्रंक से फिसल कर नीचे गिर गया और डोरेस्टिन वहाँ से तेज़ी से निकल गई। शाम को डोरेस्टिन दोबारा उसी जगह से होकर निकली। इस बार उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, क्योंकि उस दिन हेलोवीन था, इसलिए वो बच्ची को ट्रिक और ट्रीट के लिए बाहर घुमाने लाई थी। इस बार भी उसने उसी जगह पर सड़क के दूसरी ओर उस प्राणी को देखा और अपनी कार के दरवाज़ों को लॉक कर लिया। वो बहुत ही अचंभित थी, उसे लगा वह कोई भालू होगा और कार से टक्कर लगने की वजह से वो आक्रामक हो गया। अगले दिन उसने ये बात अपने पड़ोसियों को भी बताई। उसकी कार पर बहुत सारे स्क्रैच पड़े हुए थे। जब ये बात आसपास के अन्य लोगों तक पहुंची तो डोरेस्टिन को पता चला कि वो अकेली नहीं थी जिसके साथ इस तरह की घटना हुई है। एक कपल ने भी उन्हें इसी तरह की एक घटना के बारे में बताया जो उस वक्त से लगभग 10 साल पहले घटित हुई थी और उनका भी उसी रोड पर इसी तरह के एक प्राणी से सामना हुआ था। डोरेस्टिन के साथ घटित हुई यह घटना रिप्लीज बिलीव इट और नॉट नाम की एक किताब में भी प्रकाशित हुई थी। जब अपना कॉलेज खत्म करने के बाद स्टीव को रोड सैनिटाइजेशन की जॉब मिल गई थी। उसका काम था रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वाले जानवरों को सड़क से उठाना और रोड को साफ करना, साथ ही ये भी रिपोर्ट करना कि एक महीने में उस रोड पर कितने जानवर एक्सीडेंट में मारे गए। उस दिन स्टीव ब्रे रोड से दूसरी तरफ नॉर्थ साइड में ड्यूटी कर रहा था। उसके साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। स्टीव ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी आपबीती सुनाई। मैंने घने जंगलों से होकर गुजरती हुई सड़कों पर लगातार काम किया है और उस दौरान मैंने कई सारी अजीब चीज़ें देखी है।
लेकिन इस तरह की घटना मेरे साथ आज से पहले कभी नहीं हुई थी। ये बात है सन 2006 की, जब मुझे हिल रोड पर एक्सीडेंट में मारे गए हिरणों को उठाने का काम मिला था। यह हिल रोड वॉशिंगटन काउंटी के उत्तरी ब्रे रोड पर स्थित है। वह शाम का समय था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा था। मुझे ऐसे किसी भी घटना के होने की आशंका नहीं थी जो मुझे इतना डरा देने वाली थी। मैं हिल रोड पर ही ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक मरा हुआ हिरण दिखाई दिया। मैंने उसके नज़दीक जाकर कार रोकी। मैं कार से बाहर निकला और उसे उठाकर अपने पिकअप ट्रक में रख दिया। उसका वजन लगभग 80 पाउंड के आसपास होगा। मैं दोबारा कैब में लौटा और अपना पेपर वर्क करने लगा। कुछ ही पलों बाद अचानक मेरी गाड़ी को हल्का सा धक्का लगा। मैंने सोचा कि कोई पेड़ की शाखा टूटकर गाड़ी पर गिरी होगी और इसीलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया और मैं फिर से अपनी फाइल में कुछ लिखने लगा। और तभी एक बार फिर से मेरा ट्रक दोबारा हिलने लगा और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ट्रक की ट्रॉली में किसी भारी भरकम चीज़ की वजह से पूरा ट्रक हिल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और टॉर्च की फ्लैशलाइट जलाई और उसकी रोशनी में मैंने एक विशालकाय जीव को देखा जो लगभग 7 फीट लंबा होगा। वो मेरी ट्रॉली में रखे हिरण को चीर फाड़ कर खा रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो एक भालू है क्योंकि उसका पूरा शरीर फर से ढका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा एक भेड़े की तरह था और तब मैं इतना तो जान गया था कि वो कोई भालू नहीं है। मैंने इस तरह का प्राणी आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अब मैं बुरी तरह घबरा गया था। उसने हिरण को छोड़ दिया और वो गाड़ी के फ्रंट साइड में आने लगा। शायद उसने मेरी आंखों में डर देख लिया था और एक ही पल में मैंने तय कर लिया कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से फौरन निकल गया। इस घटना के बाद स्टीव ने कई सारे न्यूज़ चैनल को भी इस बारे में इंटरव्यू दिए थे और हर इंटरव्यू में स्टीव ने यही दोहराया कि उसका सामना जिस भी प्राणी से हुआ हो लेकिन वो भालू नहीं था। और साथ ही स्टीव ने उस जीव के भेड़िया मानव होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। स्टीव का सामना सच में किसी वेयरवुल्फ से हुआ या ना हो, लेकिन इन तीनों ही घटनाओं में एक बात कॉमन थी कि सभी चश्मदीद गवाहों ने लगभग एक ही तरह के मिलते जुलते प्राणी को देखने का दावा किया है। वैसे मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि इन तीनों ने सच में वेयरवुल्फ देखा था या नहीं, या वो केवल एक भालू था। क्या सच में इनका सामना एक भेड़िया मानव से हुआ था, या इन सभी ने अपने साथ घटित हुई घटना को बड़ा चढ़ाकर बताया है। ब्रे रोड का ये बीस्ट आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ब्रे रोड के इस रहस्यमय प्राणी के बारे में? क्या सच में वेयरवुल्फ है या कोई भालू? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए